हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हैं योगेश परिहार जी, जिन्होंने क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा किया है, मन में विश्वास किया है, कलेक्टर साहब किया है और भी बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है। आपको मैं पहले थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाता हूं, उसके बाद मिलवाता हूं योगेश परिहार से। कहीं और खून करके लाश को यहां ठिकाने लगाया गया और सीमेंट में चुन देने की वजह से चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और लाश का हुलिया आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेजो। अगर कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो ही कुछ पता चल सकता है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कविता के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। लेकिन हाँ सर, कविता की मौत चोट लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि गला दबा के मारा गया उसे। और मौत का टाइम है 24 तारीख को सुबह 7 से 9 के बीच। सर, शिनाख्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर बच्चे को बैग में बंद करके फेंकने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो कई हो सकती है सिरोही। सर, ये बैग तो एकदम खाली है, लेकिन इस पर एक नाम लिखा है, डिंपल तलवार। सर, एकेडमी के मैनेजर से मेरी बात हो गई है और उनका कहना है कि डिंपल तो एकेडमी आई नहीं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो योगेश, वेलकम टू जॉइनफिल्म्स, थैंक्स फॉर कमिंग। शुक्रिया, शुक्रिया जी। योगेश, सभी लोग सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, सभी लोग, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे एक्टर बनना है, बॉलीवुड में जाना है। आपने बचपन से ऐसा सोचा? जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और तो मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं स्टडी कंप्लीट करूँ और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, बस, ताकि अपनी फैमिली को अच्छे से सेटल कर दूँ, जो भी परेशानियां हैं वो सब सारी दूर कर दूँ। तो कभी इस तरफ ध्यान था ही नहीं कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करूंगा एज एन एक्टर, कभी सोचा ही नहीं था। दूर दूर से मतलब कभी ऐसा माइंड में था ही नहीं। लेकिन अब इसमें आया किस कैसे, तो वो मैं जब गांव में पढ़ाई कर रहा था और मेरी फैमिली उस टाइम पर जयपुर में शिफ्ट हो गई थी, तो मैं अपनी मौसी के साथ में रह रहा था, तो बीच में ऐसा होता कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो तबीयत खराब होने के बाद में फिर फैमिली ने प्लान किया कि यार कि भाई हमारे साथ में ही रहेगा तू, हाँ जयपुर में ही रहेगा, यहाँ गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो बाकी के जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, कम से कम एग्जाम तक तो मुझे रहने दो, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आप ले जाना मुझे। तो फाइनली जब वो लेने के लिए आए मुझे, तो मेरी क्लास टीचर थी जिनका नाम था मीना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि योगेश जयपुर जा रहे हो, कुछ बन कर आना। अच्छा, तो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब निकला तो जब जयपुर में फिर स्टडी करना शुरू हुआ किया और फिर पूरी फैमिली, फिर मतलब चाचा मौसी ये सब सारे से जयपुर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद में एक दिन पूरी फैमिली बैठ के राजस्थानी फिल्म देख रही थी, राजस्थानी फिल्म देख रही थी। तो राजस्थानी फिल्म देखते देखते मेरी मौसी ने कहा कि अपने खानदान में से भी कोई टीवी पर आएगा क्या? तो मैंने पूछा, मैंने खानदान में से कोई टीवी पर नहीं आया अभी तक? बोले बेटा अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये काम मैं करूँगा। ओके, ग्रेट। तो सोच लिया कि ये करूँगा, शुरुआत कैसे की जाए। तो फिर उस टाइम पे मैं न्यूज़पेपर मैंने पढ़ने शुरू कर दिए थे, न्यूज़पेपर में देखता था, तो इंटरव्यूज़ पढ़ता था इरफान खान साहब के, जब आते थे कि मैंने वो जब इंटरव्यू देते थे, तो मैंने थिएटर से शुरुआत की, थिएटर से शुरुआत की। तो मैंने ये थिएटर क्या है और थिएटर है कहाँ ये? तो फिर एक बार पेपर के अंदर आया कि 40 दिन की वर्कशॉप लग रही है, एक्टिंग वर्कशॉप, और जो नए नए कलाकार चाहिए, रविंद्र मंच करके एड्रेस आया। और मैंने कहा यार यही जगह है वो जहाँ से मैं शुरुआत कर सकता हूँ। मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर नाटक का सिलसिला शुरू हो गया काम करने का। मतलब टीचर ने बोला कि कुछ बन के आना, जयपुर जा रहे हो, जयपुर जाते ही दूसरा पॉइंट मिल गया कि टीवी में कोई नहीं आया, किसी ना किसी को आना चाहिए, तो वो योगेश को समझ में आया। लेकिन वो सर्च करना उन्होंने शुरू किया, जो बताया आपको, वो सीखना समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ढूंढना पढ़ना सीखना शुरू किया और तब पता चला कि थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। और अगर ये पता चल भी गया तो अगेन एक और बात आती है कि एक्शन लिया और जाके वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। तो योगेश, थिएटर की शुरुआत तो आपकी हो गई, ठीक है, उसके बाद ये जब सिलसिला चल रहा था, आप एक के बाद एक रोल कर रहे थे, क्या वाकई इंजॉय कर रहे थे उसको? हाँ, काम को मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। अब मैं बताऊँ, जब मैंने थिएटर शुरू कर दिया था, उसके बाद में 4 से 5 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था,
और एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उस टाइम पे बहुत सीरियस केस बन गया था। तो उस कंडीशन में मैं क्लास को बहुत मिस करता था। अच्छा, फील होता था। हाँ, क्लास को बहुत मिस करता था कि यार क्या सिखा रहे होंगे, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, कितना कुछ, मतलब लोग तो सीख सीख के आगे बढ़ गए होंगे, ऐसा था। और मैं हॉस्पिटल में यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं अपने आप को कोसता था कि यार मैं जल्दी से खड़ा हो जाऊँ और मैं थिएटर पहुँच जाऊँ। तो वो 10-15 दिन का टाइम रहा। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि भैया आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 4-5 महीने रेस्ट करो। तो मैंने कहा भाई तू एक बार मुझे यहाँ से निकाल दे, उसके बाद मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। मैं फिर घर पे आने के बाद में कुछ टांके वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने टांकों में खुलने का इंतज़ार कर रहा था। तो टांके वगैरह खुले, खुलने के बाद में फिर मैंने फादर को कहा कि मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, मैं क्लास में चल जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वहाँ बस बैठ के देखूँगा। तो बोला ठीक है। अब मैं वहाँ क्लास के अंदर चला गया। क्लास में जाने के बाद में हुआ ये कि डायरेक्टर ने कहा कि यार हमको पता चला कि तुम्हारे साथ में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तो कैसे करोगे? मतलब मैंने कहा सर आप वो मुझ पर छोड़ दो, मुझे तो बस आप रोल दे दो एक और हाँ मुझे करना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट फॉर्ड हूँ। तो वो करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत पेन होता था, उसमें कुछ मार धाड़ के सीन वगैरह, गिरना पड़ना और ये सब, पर उसमें एक मज़ा आता था। मैंने क्योंकि करना यही था तो इसलिए वो मैं सब भूल जाता था। और जब शो देखने के लिए मैंने फैमिली को बोला कि आप शो देखने के लिए आना, वो आए और आके बैठ के देखने लगे, यहाँ गिर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वो सब बैठ के ये करने के लिए आया था। एकदम हैरान हो गए कि अभी मतलब यहाँ, और उसके बाद में मतलब यहाँ ये सब, उनकी इच्छा हो रही थी कि हम स्टेज पे पहुँच जाएं और उसको बोलेंगे बेटा अभी मत कर ये सब, बाद में कर लेना, ठीक हो जाएगा। बहुत इंजॉय किया मैंने अपने काम को और बहुत मज़ा आया थिएटर में काम करते करते, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में, बहुत अच्छे प्लेस, तो बड़ा मज़ा आता थिएटर का। देखिए योगेश की इस बात से हमें एक बात बहुत अच्छी मिली है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि कई लोग सिर्फ ये ना सोचते हैं कि ना मुझे एक्टर बनना है क्योंकि ग्लैमर अट्रैक्ट करता है उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इनसे पूछा तो इन्होंने बहुत क्लियर किया कि हॉस्पिटल में भी जब दर्द में थे, करहा रहे थे, तब ये उसको मिस कर रहे थे। यहाँ से समझ में आया कि नहीं वाकई ये पैशन है, ये आपको खुद को एनालाइज करके समझना चाहिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज आप एक अंधे उसमें चलते जाएंगे कि मेरे को एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, और कुछ हो नहीं पाएगा। अब जब आप एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो अभी जो मेन गोल था कि खानदान में कोई टीवी पे नहीं आया वो किधर चला गया? वो ऐसा हुआ था कि 2013 के अंदर जी ने अपना रीजनल चैनल ये शुरू किए थे, जी मराठी, जी राजस्थानी। तो जयपुर में एक शो के ऑडिशन हो रहे थे कलेक्टर साहब करके, तो मैं वहाँ पहुँच गया ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन देने के लिए गया तो ऑडिशन लेने वाले आए, बोले आप अपनी तरफ से कुछ भी तैयार करके दे दीजिए, स्क्रिप्ट नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा शो का नाम है कलेक्टर साहब, तो इससे जुड़ा ही कुछ तैयार कर देता हूँ ताकि कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो मैंने वो तैयार करके ऑडिशन दे दिया। देने के बाद में थोड़े दिन बाद में मेरे पास में फ़ोन आता है कि सर हम हमारा पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं और वो आपके साथ कर रहे हैं। अच्छा, पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं और उसमें लीड करेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब उस टाइम पे पैसे वैसे की कोई बातचीत नहीं की, तो मैंने कहा लीड करेक्टर दे रहे हैं तो कम से कम पैसा थोड़ा अच्छा मिलेगा। अब मैं ऑफिस में गया, ऑफिस में, अच्छा मैं ऑफिस में पहुंच ही रहा था कि उससे पहले एक लड़की डायरेक्टर से मिलके निकली थी। ओके, तो वो मिलके निकली, निकलने के बाद में मैं जाके बैठा और वो निकली। उसके बाद में मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं, मुझे अच्छा करेक्टर मिल रहा है तो मैं पैसे वैसे को लेकर तो भैया बात क्लियर करूँगा, ऐसा था। क्योंकि वो एक हवा बना हुआ था कि यार कि ठीक है शो तो शुरू कर रहे हैं लेकिन पैसे कम देंगे, ऐसा कुछ एक्सप्लॉइट करेंगे। हाँ, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो डायरेक्टर ने एक बात कही थी, बोले यार अपना तो असूल है पहले काम फिर नाम, और दाम तो अपने आप मिल ही जाएगा। जब ये दो चीज मिल जाएगी तो दाम अपने आप ही आ जाएगा, चल के आएगा। तो ये बात मेरे कानों में जैसे ही एंटर की, मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहा है, मैं कुछ और सोच के चल रहा था, मैं पहले दाम फिर काम के और नाम कितना होगा। तो मैं बोला यार ये बात तो सही है, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग ली है या जो भी मैं सीखा हूँ या जो काम के बारे में जानता हूँ
वो इनको थोड़ी ना पता है। राइट, इनके साथ में मैं काम करूंगा तो ही तो पता लगेगा कि हाँ मुझ में कितना पोटेंशियल है, मैं कितना काम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं अब इस चीज़ को लेकर कोई बात ही नहीं करूँगा, मैं पहले काम करूँगा। और फिर मैंने वो काम करना शुरू किया, तो कुछ 100 एपिसोड में से 50-60 के आसपास मैंने एपिसोड किए, 100 में से 56 के, हाँ 100 में से कम 50-60 एपिसोड में मुझे काम मिला और मैंने किया। फिर वो करने के बाद में फिर वापस मैं अपने थिएटर में आ गया था, थिएटर में शो करना शुरू किया। फिर उसके बाद में 2015 में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, तो मैंने कहा अच्छा जिन डायरेक्टर्स ने बात कही थी उनका नाम है गौरव प्रेमश्री। ओके, गौरव प्रेमश्री जिन्होंने ये बात कही थी। तो गौरव प्रेमश्री आपको थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात बताई जिससे कि एक करियर डिसीजन लेने में योगेश को बहुत हेल्प मिली। जी बहुत, और उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। ओके, और फिर 2015 में मैं ऐसे बैठे बैठे चाय पी रहा था, मैंने कहा सर से हालचाल पूछ लिया जाए। अच्छा, ये राजस्थानी में था सीरियल, लैंग्वेज इसकी क्या थी? हाँ, हिंदी राजस्थानी दोनों। तो उसके बाद में फिर 2015 में मैं बैठे बैठे चाय पी रहा था, पीते पीते मैंने कहा यार हालचाल पूछ लेते हैं एक बार सर से। तो मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि कैसे हैं आप, तो उनका सीधा जवाब आया अरे कहाँ हो तुम। कहा मैं जयपुर हूँ, आप बताइए, मैं मुंबई आ जाता हूँ। तो बोले रुको। तो उन्होंने फिर प्लान किया, बोले तुम मुंबई मत आओ, हम ही जयपुर आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कहा कि योगेश क्राइम पेट्रोल जो है वो वीकली हो गया है, तो अब हम इस एक स्टोरी करने के लिए आ रहे हैं और उसमें एक करेक्टर है, तो ऐसे ऐसे ठीक है। तो पहली जो मेरी स्टोरी थी उसके अंदर मेरे एक विलेजर का रोल था, गांव वाले का, तो मैंने किया, उनको पसंद आया। फिर उसके बाद में 2-3 एपिसोड करता चला गया। उसके बाद में फिर क्राइम पेट्रोल का सिलसिला शुरू हो गया। फिर प्रोडक्शन से ऐसा था कि इनको कॉप में ट्राई करता है, तो फिर कॉप में ट्राई किया, फिर कंटिन्यू होता गया। और फिर मैंने साल भर तक जयपुर में क्राइम पेट्रोल किया। हाँ, जब साल भर आपने जयपुर में ही कर लिया, मतलब अपनी सिटी में कर लिया, तो फिर कहीं ना कहीं मन में चल रहा होगा कि जब चलो मुंबई चलते हैं, क्योंकि अब काम करने लगे हैं तो मेन जगह पे क्यों नहीं। नहीं बिल्कुल। तो मैं वही अब कि मैं उस समय का इंतजार कर रहा था कि यार वो कौन सा टाइम होगा जब मुझे लगे कि यार अब चलता है मुंबई निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे जो जितने साथ वाले थे वो सब कोई ना कोई जा ही रहा था, और सबका यही कहना था कि यार यहाँ घिसने से अच्छा है मुंबई जाके घिस लेंगे, क्यों यहाँ पर इतना सब टाइम लगाना वो सब करना। तो वो लोग निकल गए थे, मैं बोले यार योगेश भाई आप इतना यहाँ क्यों रुके हुए, यार इतना टाइम हो गया, इतने थिएटर किया, इतने शो किए, अब तो कम से कम निकलो। मैंने कहा नहीं, मैं आराम से निकलूँगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, मैं आराम से अपना समय लेके निकलूँगा। तो 2016 में मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मैं 2016 में यहाँ पर, और आने से पहले मतलब ऐसा था कि मुझे 7 तारीख को निकलना था और 6 तारीख को फिर एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ में। और उस टाइम पे ऐसा था कि यार ये मतलब कल मैं मुंबई निकल रहा हूँ और आज ये सब कैसे, मतलब तो फैमिली को मैंने बताया नहीं, और हमेशा से मतलब मुझे ऐसा रहा है कि जब भी कुछ हो जाता तो फैमिली को नहीं बताते थे कि यार परेशान हो जाएंगे, खुद ही झेल लो, हो जाएगा सब। तो निकल गया, निकलने के बाद में यहाँ पे फिर 15-20 दिन तक तो वो सब सारा बेड रेस्ट वगैरह रहा, उसके बाद में फिर मैंने काम करना शुरू किया और वो सिलसिला चलता गया और काम बस। तो जब मुंबई आए तब पहला काम क्या किया, क्राइम पेट्रोल किया। वैसे लगता है क्राइम पेट्रोल से बहुत लोगों को अच्छा स्टार्ट मिला है, क्योंकि नई नई कहानी आती थी और हर तरह के फेस की रिक्वायरमेंट होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो शो आते हैं, जो भी और जो टीवी सीरियल आते हैं, उनमें उनसे ज़्यादा क्राइम पेट्रोल जो एक्टर करते हैं उनको पहचान जल्दी मिल जाती है, ऐसा लगता है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड है और लोग बहुत देखते हैं, हम प्यार करते हैं क्राइम पेट्रोल, मतलब कोई भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि सर एक बार शुरू कर दिया तो पूरी रात निकाल देते हैं। राइट, और इसलिए रिपीट टेलीकास्ट भी है उसका, बैक टू बैक, कई बार दिन भर में बैक टू बैक चलता है। तो ऐसा है कि खाना नहीं खाएंगे लेकिन एपिसोड जरूर देखेंगे, और तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार शो। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, वो फिल्में की हैं, जब हम क्राइम पेट्रोल करते रहते तो वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार मैंने इतनी फिल्में की लेकिन आज तक मुझे किसी ने फिल्म की बोला नहीं कि आपने उस फिल्म में ये रोल किया था। वो मुझे बोलते हैं कि आपने क्राइम पेट्रोल की स्टोरी में सरपंच बने थे ना,
ओके तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मैंने फिल्म भी की है, वो देखी कि नहीं देखी और यहाँ लोग परेशान रहते हैं कि देखिए फिल्म ही करूंगा मैं, सीरियल करूंगा मैं। तो उस टाइम पे हमको भी लगता है कि यार ये क्या है, मतलब चाहते तो यही है ना सबकी फिल्म करें और वो सब अपना काम करें। तो वो जब बताते तो मुझे लगता है कि क्राइम पेट्रोल के शो से ऑडियंस बहुत जल्दी पहचान लेती है आपको। अभी तक कितने करेक्टर प्ले कर चुके होंगे आप टीवी में? टीवी में मैंने ज़्यादा करेक्टर अभी तक, मतलब कलेक्टर साहब में मैंने बहुत अलग अलग करेक्टर प्ले किए थे, उसमें हर स्टोरी में एक अलग करेक्टर होता था। तो उसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव मतलब करीब करीब करेक्टर प्ले किए हैं। और उसके बाद में क्राइम पेट्रोल में भी 3 से 4 करेक्टर प्ले किए, उसके बाद में फिर मैं कॉप करने लगा था। और मन में विश्वास है एक शो आता था सोनी चैनल पर, उसके मैंने कुछ एक एपिसोड किए हैं तो उसमें मैंने करेक्टर रोल किए हैं। ओके दूसरी बात ये कि राजस्थान से जो भी आते हैं उनका एक एक्सेंट हो जाता है लैंग्वेज का, क्या वो शुरुआत में आपके था उसको ठीक किया? उसका उसका ये मेरे लिए बहुत फ़ायदे की बात है कि मेरा जो बचपन है वो दिल्ली में बीता है। ओके क्योंकि भाषा बहुत साफ है आपकी। तो मेरा जो बचपन है वो दिल्ली में बीता है, उसकी वजह से मैं जब बात करता हूँ तो वो राजस्थानी टोन आता नहीं है। लेकिन हाँ जैसे मेरे कुछ यार दोस्त हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, उनका प्रॉब्लम होता है जब वो ऑडिशन के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि यार राजस्थानी एक्सेंट आ रहा है। अभी आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी आई जिसको फेस्टिवल्स में बड़ा रिकॉग्निशन मिला, उसके बारे में बताइए कुछ। हुआ ऐसा था कि मैं 5-7 दिन एकदम खाली टाइम चाहता था कि यार मुझे 5-7 दिन अकेले रहना है। तो मैं अपने फ्लैट पे था और फ्लैट पे रहने के बाद में तो माइंड में एक कंसेप्ट आया कि यार एक शॉर्ट फिल्म करते हैं। और मतलब राजस्थान के अंदर जो जिस तरीके से जो कुरीतियाँ जो है, बाल विवाह, लड़कियों को ना पढ़ाना और वो सब, छोटी उम्र में ही शादी कर देना, तो मैंने ऐसा करके वो माइंड में चला। तो उसके बाद में फिर मैंने, मेरा एक दोस्त है वो यंग ही है, और तो मैंने उससे ये डिस्कस किया, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कंसेप्ट है तो अगर कुछ लिख सकते हो तो बताओ। तो मुझे ऐसा लगा था कि इस प्रोसेस में कम से कम 1-1.5 महीना जाएगा। मैं क्राइम पेट्रोल का एपिसोड शूट कर रहा था और 3 दिन बाद ही मुझे फ़ोन आता है कि योगेश भाई कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं शूट कर रहा हूँ। तो बोले आप फ्री हो जाइए, स्क्रिप्ट रेडी है। अच्छा, मैंने कहा यार स्क्रिप्ट रेडी है? बोले हाँ स्क्रिप्ट रेडी है, आप मुझे बता दीजिए जैसे फ्री होते हैं तो मैं आपको स्क्रिप्ट सुना देता हूँ। तो स्क्रिप्ट मैंने सुनी, अच्छी लगी, उसके बाद में फिर हमने जयपुर में शूट प्लान किया। और मुझे सच बताऊँ तो यकीन नहीं था कि इतना इतनी अच्छी बन के आएगी, बट लोगों ने देखी है, तारीफ की है सबने, तो बड़ा अच्छा लगा। अब आगे क्या क्या प्लान है आपके? आगे है, फिल्म का प्रोसेस चल रहा है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा। ओके सब लोग ये जानते हैं और समझते हैं कि हमें ऑडिशन से काम मिलता है, कई लोग सोचते हैं कि ग्रुपिज्म से मिलता है, कई लोग सोचते हैं कि अगर आपका फिल्म इंडस्ट्री में कोई रहता है, जानने वाला है तो मिलता है। आपने इतने सारे काम किए, आपको काम किससे मिला? पहली चीज़ तो ये है कि आपको काम आना चाहिए। हाँ राइट, पहली चीज़ तो ये है, और मतलब उसकी वजह से ही आप आगे काम कर सकते हैं, मतलब जो एक्टिंग टैलेंट है वो तो होना ही चाहिए। वो सबसे पहली चीज़ तो वही है। और उसके बाद में आपका नेचर सही होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ शूट पे रहता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ, सीनियर जो लोग होते हैं जो प्रोडक्शन में जो होते हैं, उन लोगों से कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो लगातार नहीं दिखते हैं, रीज़न क्या है? मतलब कुछ मैंने आर्टिस्टों के नाम भी बताया उनको कि मैं, ये आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है, इसका काम पसंद है, तो वो आर्टिस्ट आगे क्यों नहीं दिखता है? राइट, तो उन्होंने बताया कि योगेश आप अच्छे एक्टर होने के साथ साथ में आपका अच्छा नेचर भी होना चाहिए। तो कई बार क्या होता ना कि प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आप यहाँ पर जब आपके दिमाग जब आपका चल रहा होता है तो उस वजह से फिर कुछ एटीट्यूड आ जाता है। हाँ, तो उसकी वजह से वो बड़ा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक आर्टिस्ट को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए काम के साथ साथ में कि अगर मुझे लंबे टाइम तक काम करना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टर जो है वो बहुत सारे लोगों की मेहनत का नतीजा और एक फेस है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको तो उन सबको लेके चलना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके योगेश, जब आप मुंबई आ गए और फिल्म इंडस्ट्री में आप रेगुलर काम कर रहे हैं और आपको अब नज़र भी आ रहा होगा कि मैं बहुत ही ईजिली अपना काम जिंदगी भर इस प्रोफेशन में चला सकता हूं, लेकिन बहुत से लोग जिनकी सोच शायद जो आपकी पहले सोच थी कि गवर्नमेंट जॉब हो, सेफ जॉब हो,
वो अभी भी कभी कभी घबराते हैं, बजते कि वो अच्छे एक्टर हैं भी शायद, काम भी कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं मुंबई में, डरते हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप सेफ्टी के लिए? वैसे मेरा मानना ये है कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में आप इसमें काम करने के लिए मतलब माइंड में और सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ। मतलब अगर आप ये काम करना चाहते हो तो फिर यही करो, राइट। तो बाकी आप चाहते हो कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर लूँ, मैं घर में फैमिली को भी खुश रख लूँ और मैं इसमें भी काम कर लूँ, तो वो कहीं तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो आप क्या होगा ना कि आपकी आप ना अपनी जॉब के लिए रहोगे ना इसके लिए रहोगे, क्योंकि कई बार आप मैं जैसे कई एक्टर्स को देखता भी हूँ जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, शूट पर आते हैं, आने के बाद में जब वो पूछते हैं कि यार मैं कितने बजे फ्री हो जाऊंगा, तो मैं कई बार मैंने ये क्या है मतलब कितने बजे फ्री हो जाऊंगा, अच्छा 4 बजे से पहले फ्री कर दोगे मुझे, क्योंकि उनका एक ऑफिस का टाइम रहता है कि जाना होता है रजिस्टर में साइन वगैरह करना। तो मैंने कहा यार ऐसा काम करना ही क्यों जिसके लिए आप आके सेट पे आके मतलब टीम भी ऐसी रहे कि अपना शेड्यूल ही सब कर दे आपके हिसाब से, हाँ आपकी वजह से, तो ऐसा काम करो क्यों? अगर एक काम करे तो आराम से माइंड सेट रहे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो विश्वास की कमी होती है कि मैं कर ही जाऊंगा। हाँ राइट, हाँ तो एक मतलब ये है कि अगर आप ये करना चाहते हो तो यही करें, यही करें, दूसरा और कुछ ऐसा ना हो कि यार आपके दिमाग में और भी कोई काम चल रहा है, ऐसा कि सेट पे पहुंचने के बाद में ये हो कि कब फ्री हो रहा हूँ मैं, बस पहले यहाँ काम कर लूँ अच्छे से, मेरे माइंड में ये नहीं कि मुझे 4 बजे ऑफिस जाना है, 3 बजे साइन करना है, 5 बजे वो सब करना है, ये नहीं होना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। योगेश एक आखिरी बात और, कि बहुत ज़्यादा एक भ्रांति है या मिथ है कि लुक बहुत मैटर करता है, जब भी ऑडिशन देखते हैं तो रिच लुक, गुड लुक, फेयर लुक, आप इसको कैसे देखते हो, क्योंकि आप तो अब काम कर रहे हो, रेगुलर काम कर रहे हो। जी पहले मुझे इस चीज़ के बारे में मैं इतना सोचता नहीं था लुक के बारे में। जब मुंबई जब मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में जब मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, तो ऑडिशन में जब बोलते ना कि सर परफॉर्मेंस तो अच्छा है लेकिन लुक नहीं जा रहा है, मैंने कहा यार मैं लुक कहाँ से लेके आऊँ अब ये। तो मैंने कहा यार मैं बोले सर एक्चुअल में क्या है ना, एक मैं आपको बताता हूँ किस्सा। एक ऑडिशन मैंने दिया था एक सीरियल के लिए, तो उस लड़के ने ऑडिशन लिया, लेने के बाद में बोला बोले सर मैं अच्छा खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले वो सब खड़े ऑडिशन देने के लिए और भी लोग आए, तो बोले सर मैंने सबके ऑडिशन लिए पर मुझे जो चाहिए था वो मुझे आप में दिखा है, ओके, पर मैं अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका लुक नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई मेरा काम था ऑडिशन देना, मैंने दे दिया है, लुक और ये सब तू देखता रहे। बोले फिर भी मैं कोशिश करूंगा चैनल में भेजने की। मैंने कहा जब लुक ही नहीं जा रहा तो क्यों भेज रहे तू, रहने दे। तो हाँ लुक का है यहाँ, ये चीज़ मैंने देख ली है कि मतलब पहले अगर आप लुक है तो उसके बाद तो जो करेक्टर का लुक वो लोग ढूंढ रहे हैं वो लुक चाहिए। हाँ तो बेसिकली यही है कि यहाँ पर वो चीज़ आके समझ में आ गई कि हाँ अगर आप लुक अगर जा रहा है किसी करेक्टर पे तो 100%, हाँ तो 100%, उसके बाद में अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है तो और बात है, बस तो और बात है। हाँ तो लुक का खेल है, ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ लेकिन लुक का खेल है, लेकिन इससे कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। लुक का मतलब है कि जो करेक्टर डायरेक्टर के दिमाग में है, राइटर ने जिस तरह से उसको कंसीव किया है, उस लुक का आपको होना चाहिए। हर तरह के लुक के लोगों की जरूरत पड़ती है, हर तरह के लुक के लोगों को काम मिलता है। थैंक यू योगेश, थैंक यू वेमन, थैंक यू सो फ्रेंड्स। ये थे योगेश, इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत कम समय में किया, इसलिए इनसे सीखने समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो बात ये थी कि जैसे ही इन्होंने प्लान किया कि टीवी में काम करना है तो इन्होंने खुद ढूंढना शुरू किया और पता चला कि वर्कशॉप हो रही है। आपको भी अपने आसपास या किसी तरह से पता चलता है कि कोई वर्कशॉप हो रही, क्लास हो रही, तो जाके ढूंढिए और उसके बाद सीखना शुरू करिए। यही तो एक्शन है जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सोचते रहने में, सपने देखने में, उसमें कुछ भी नहीं जाता। आप कितने समय तक भी देख सकते हैं। एक और बात बहुत अच्छी पता चली कि चाहे एक्सीडेंट हो गया फिर भी अपने काम में लग रहे, चाहे वो थिएटर वाली बात थी या फिर जब मुंबई आने का सोच लिया, मतलब जो डिसीजन ले लिया उससे फिर पीछे नहीं हटे किसी भी बात को लेकर। और बात कि टीवी में भी काम करते रहे, ऐसा नहीं सोचा कि मुझे फिल्मों में जाना है, ये जाना, क्योंकि बहुत जल्द होता आता है कि जब आप छोटे छोटे काम करते हैं तो कोई लगता नहीं यार मैं सेटल हो गया हूँ, अब मुझे बड़े काम करने चाहिए। जो काम मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से किया, और जो इनको डायरेक्टर ने सिखाया है कि पहले काम फिर दाम और उसके बाद नहीं पहले काम फिर नाम और उसके बाद दाम, ये सबसे अच्छी बात सीखी। और मैं ये आपको बोलूँगा कि आज के वीडियो से आपने भी सीखी होगी। और भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए
ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।